लिटरेचर फेस्टिवल का ख्वाब पहली बार वर्ष 2014 में देखा गया और इस ख्वाब की तामील होने में 2 वर्ष का समय लगा। वर्ष 2016 में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ और आज साहित्यकारों व साहित्य प्रेमियों का ये उत्सव एक नई उमंग लिए आपके समक्ष है। विभिन्न सत्रों से सुसज्जित होने वाले इस उत्सव का अब हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। वर्ष 2016 की विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों, सत्रों का विवरण, समस्त लेखकों, साहित्यकारों के वक्तव्य और कविताओं को संकलित किया गया है हमारे इस स्मारिका में। और स्मारिका की और अधिक जानकारी के लिए मैं रानू को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये पिछले साल हमने जो साहित्यिक आयोजन यहाँ किया था उसके समस्त गतिविधियाँ, समस्त वक्तव्य हमने प्रयास किया है कि सशब्द इस स्मारिका में सम्मिलित हों। मैं निवेदन करूंगी अपने सहयोगी से कि ये स्मारिका आप सब लोगों को भी उपलब्ध कराएं ताकि आप खुद इसको पढ़ें और जानें। और हमारे जो हम इस आयोजन को करने का हमारा उद्देश्य है, जिसको करने की ऊर्जा आप सब लोगों से ही हमें मिलती है, वो भी आप सब जानें और हमको और मार्गदर्शन दें कि हम और इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं इस आयोजन को। और जो इस आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य है, एक बेहतर समाज की परिकल्पना जो हम सबके मन में होती है, जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, अपनी भूमिका है अपने समाज के प्रति, समाज को बेहतर बनाने के लिए, वही साहित्य संस्कृति के माध्यम से हम भी एक प्रयास कर रहे हैं। और जो समाज में नकारात्मकता हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम सब अनुभव कर रहे होंगे, उसमें भी ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि साहित्य की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों तक, सेकेंड लाइन जो हमारी है, हम उन तक पहुँचें, उनके भीतर साहित्य सृजन का बीज बोएं, उनके प्रति, उनके मन में साहित्य के प्रति लगाव हो, रुझान हो, ताकि हमारी बात जब हम सफ़ेद बाल वाले साथी नहीं होंगे तो ये जो नई खेप आ रही है वो इस कारवां को आगे बढ़ाए और ये प्रयास चलता रहे और आप जैसे सुंदर लोग इस धरती पर आते रहें, इस धरती को सुंदर बनाते रहें अपने विचारों से, अपनी लेखनी से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कई और लिटरेचर फेस्टिवल्स जो हैं अब तो बहुत होने लगे हैं, हमारे शहर में ही बहुत होने लगे हैं, वो या तो अंग्रेजी साहित्य पर केंद्रित रहते हैं या थोड़ा बहुत उसमें हिंदी का भी समावेश किया जाता है। लेकिन ये एक लिटरेचर फेस्टिवल है जो विशुद्ध रूप से हिंदी साहित्य पर ही केंद्रित है। मेरी जो आपत्ति है कि इसका नाम अंग्रेजी में क्यों रखा गया है, इसको दून साहित्य समागम कहें तो शायद बेहतर होगा भविष्य के लिए। ये मेरा सुझाव है, ये रखना, आशा करता हूँ इस पर गौर। अगर कोई मंच से बोलेगा तो फिर वैसे एडजस्ट कर लेना। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि देहरादून शहर जहाँ मुझे रहते हुए 19 साल होने को आए, इन 19 सालों में साहित्य, कला और विभिन्न विधाओं में यहाँ तरह तरह की प्रगति की। छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, कुछ बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं और इसी वर्ष मेरे ख्याल से ये तीसरा बड़ा साहित्य समागम हमारे शहर में हुआ है। अभी नवंबर को महीने में एक बहुत बड़ा समागम हुआ था वैली ऑफ वर्ड्स के नाम से, 3 दिन का, और अब ये हो रहा है। इससे शहर को एक विशिष्ट पहचान मिलती है और लोग साहित्य से, क्रिएटिव एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं। देहरादून जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा माहौल है, चाहे वो
साहित्य में हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू साहित्य में काफ़ी बड़ा क्रिएटिविटी का माहौल है, पंजाबी साहित्य का, आर्ट कला का एक काफ़ी अच्छा केंद्र रहा है और समय समय पर कला प्रदर्शनियां होती हैं, जिसकी बात थोड़ी सी कमी खटकती है वो है कि संगीत में यहाँ अभी हमारी इतनी ज़्यादा पहल नहीं है। अगर हम संगीत को भी जोड़ दें तो फिर, क्योंकि संगीत के कार्यक्रम यदा कदा ही होते हैं और जब भी मौका मिलता है उनमें जाने का तो बहुत आनंद आता है, इसलिए अगर एक वो विधा और यहाँ बढ़ जाए तो देहरादून निश्चित रूप से कम उत्तर भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र होगा। देहरादून की ख्याति एक शिक्षा के केंद्र की तो रही है, खासतौर पर स्कूली शिक्षा की, यहाँ बहुत पुरानी एक परंपरा रही है और आज भी अनेक जाने माने नामी स्कूल, विद्यालय वगैरह हैं। उसके साथ संस्कृति का वो जो यहाँ लोगों ने जो बढ़ावा दिया है वो इस शहर को एक दूसरे ही पहचान है। मेरे हिसाब से किसी भी शहर की असलियत, असली रूह इन संस्थाओं में बसती है, न कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या मॉल्स में। या हम मॉल्स भी बना रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग भी बना रहे हैं, लेकिन वो धून देहरादून को पहचान नहीं देंगे। अगर देहरादून की पहचान बनेगी, जो बन रही है, वो कला, संस्कृति, शिक्षा आदि के क्षेत्र से ही बनेगी और इस दिशा में समय साक्ष की ओर से, खासतौर से समय साक्ष की टीम, रानू बिष्ट, प्रवीण भट्ट आदि ने बहुत सराहनीय काम किया है और हमें बहुत खुशी है कि दून लाइब्रेरी एवं शोध संस्थान की ओर से हम इसमें थोड़ा बहुत हाथ बटा पाए हैं और इसके लिए हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। धन्यवाद।